ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वालामुखी इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन व छात्रों की मांगों के संदर्भ में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई, जिसमें बीरेंद्र ऋतिका, शैलजा रफी, मनीष रोहित, सुधीर तमन्ना और अनीशा मौजूद रहे। छात्रों की मांगों व समस्याओं को लेकर एबीवीपी ज्वालामुखी कॉलेज इकाई ने कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वालामुखी इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन व छात्रों की मांगों के संदर्भ में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई, जिसमें बीरेंद्र ऋतिका, शैलजा, मनीष रोहित, सुधीर और अनिशा रहे। गौरतलब है कि छात्रों की मांगों व समस्याओं को लेकर एबीवीपी ज्वालामुखी कॉलेज इकाई ने कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। उनके माध्यम से सौंपी गई समस्याओं को जल्द हल न करने पर एबीवीपी ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है। एबीवीपी द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर कोई सुनवाई न होने के कारण सरकार से रुष्ट कार्यकर्ताओं ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। परिषद कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मांग की है कि प्रदेश विश्वविद्यालय परिणाम व पूर्ण मूल्यांकन के परिणाम को समय पर घोषित किया जाए। ऋतिका, राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आज पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सांकेतिक भूख हड़ताल करने जा रही है, जिसके मुद्दे कुछ इस प्रकार है, जिसका मेमोरेंडम हमने पहले ही प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा प्रदेश सरकार को भेज दिया है, जिसमें कि अपना विशेष मुद्दे जो है, जैसे कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणामों का लेट आना, पूर्ण मूल्यांकन परिणामों का लेट आना, केंद्रीय विश्वविद्यालय बात की जाए तो वहाँ पे शिलान्यास का पत्थर रख दिया गया है, परंतु वहाँ पर अभी तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ की फीस बढ़ोतरी, अध्यापकों की कमी का होना, उसे पूरा किया जाए। आईसीडॉल के अंडर 25-30% फीसों में वृद्धि हो गई है, उसे कम किया जाए। विद्यार्थी अध्यापकों के व स्टाफ के रिक्त स्थानों को तुरंत भरा जाए। ये सब हमारी प्रदेश स्तर की कुछ मांगे हैं। और अगर बात की जाए अपने राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी की, तो हमारी कुछ मांगे हैं, जिस जैसे कि गेट कीपर का होना, चार दीवारी का होना, ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनका पूरा करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने एक सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है। अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।